सर गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। सब रूम जितने दिख रहे सब फुल हो चुके थे। किसी किसी रूम में बाथरूम अटैच है, जैसे देखो एक ये रूम है जिसने बाथरूम अटैच, शाम को पता नहीं था ना ये रहते थे। हमारा रूम बड़ा था, बस बाथरूम नहीं था और गर्म पानी की सुविधा तो कुछ इस तरह थी। ये देखो इधर बाटला लगा है, एक टोप में पानी गर्म होता है, इधर एक बाल्टी है जिसको जहाँ नहाना है एक बाल्टी गर्म पानी उठाओ और लेके चले जाओ सीधा नहाने के लिए। बाकी ओवरऑल फैन की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, अच्छी खासी ठंडी थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए, टारगेट है 8:30 बजे तक यहाँ से कैसा भी निकल जाए, क्योंकि मंदिर यहाँ से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फटफट दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा मानसर घाट और यहाँ पे सुबह सुबह लोग का फिर से फोटो सेशन चालू। बाहर का भी नजारा इस तरह, ये देखो एग्जैक्ट बाहर में कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं खास। सबसे बड़ा टास्क ये सीढ़ी माला उतरना एकदम, मतलब तीसरे माले में हम लोग को रूम मिल रहा, सीढ़ी भी नहीं कुछ नहीं, इतना कंटा आता था सुबह, रात में भी एक दो बार उसको नीचे करना पड़ा। अभी तो नीचे मॉर्निंग धूप है लेकिन अच्छा खासा ठंडा है। अगर ये 2 घंटा रह जाए इसी वेदर ना तो हमारा दर्शन भी आराम से हो जाएगा। फिलहाल बाहर आ गए तो सब कोल स्टार्ट करना चालू कर दिए, उसकी हो गई, मेरी भी स्टार्ट हो चुकी है। वो जिक्सर है और एक एक्टिवा, एक एक्सेस उधर है, ये भी सब कोल स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे। अभी चलो फाइनली इस होटल को चेकआउट कर दिया। हालांकि होटल था नहीं, एक शादी का हॉल था जिसमें बहुत सारे रूम थे, तो ये लोग शादियों के सीजन में ऐसा हॉल देते हैं। चलो निकले, ये लोग ऐसा यूज़ करने के लिए दे देते हैं, तो हमको वो डिसेंट रेट में पड़ा, 1200 रुपये में एक रूम पड़ा जिसमें हम लोग 10 आदमी आराम से सो सकते थे। हालांकि अभी मुझे तो वो गली याद नहीं आ रही हम लोग कहाँ से आए। भाई मेरे को याद नहीं है, एक मजा हम पहले रास्ता डिस्कस कर लें। चलो फिर रास्ता कंफर्म, यहाँ से अपने को निकलना है। और एक्चुअली यहाँ पे पूरे गांव का वाइब आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र के किसी गांव में मैं हूँ। एक्चुअली है गांव ये, बट अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम, सुबह सुबह लोग उठ के अपना टहल रहे, काम धंधे पे आ रहे जा रहे। अच्छा खासा ठंडी है भाई, सुबह का भी टाइम है लेकिन फील हो रहा है ठंडी हाथ पे। रात को हम लोग इसी रोड पे से आए थे, देखो दोनों तरफ पूरे जंगली जंगल और पहाड़ों के नीचे है ये गांव, मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस लाइव लोकेशन हमारा अच्छे से चल रहा था, इसके लिए हम सही सलामत चले गए, नहीं तो मुझे नहीं लगता है पहुँच पाते थे हम लोग यहाँ पे अच्छे से। हर मतलब दिल से थैंक बोलूँगा उस आदमी का, उस पान पट्टी वाले का जिसका ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे पहचान थे। 2-3 जगह उसने फ़ोन घुमाया और एक जगह से कंफर्मेशन आया कि हाँ यहाँ पे के रूम खाली है, बट आप अब भी आ जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो हमको चौथा फ़ोन आया तो हम लोग रूम नहीं देंगे। तो हम लोग का तीसरा फ़ोन था, तीसरे रूम पर हमको रूम वहाँ पर मिल गया। और रात को इसी नदी में पूरे भाप उठ रहे थे, मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ठंडा पानी का भाप था। और अभी भी यहाँ पर देखो पानी काफ़ी ठंडा है कि गर्म पता नहीं, बट लोग वहाँ पर नहा रहे अच्छे से, काफ़ी अच्छी नदी है ये। मेरा मडगट टूट गया या तो फिर से वेल्डिंग छोड़ दिया है, भगवान जाने क्या हुआ है, लेकिन बहुत आवाज़ कर रही है। चलो आज का हमारे लास्ट मंदिर है, ये मंदिर दर्शन करेंगे फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे मालसेज घाट, मालसेज घाट से होते हुए टूवर्ड्स डायरेक्ट घर की तरफ। मतलब आज हमारा वापसी है, तीसरा दिन का आखिरी सफ़र हमारा ये, और 2 दिन में हम लोग ने
सात मंदिर कंप्लीट किया था, एक मंदिर ये खाली लास्ट की वजह से हुआ था बिकॉज ये थोड़ा पहाड़ पर है, तो यहाँ पे क्या रुक के अच्छे से फोटो सेशन करेंगे सब लोग, वीडियो वीडियो बनाएंगे, फिर यहाँ से अलविदा हो जाएंगे। चलो तो फिर गांव से निकल के हाईवे पे आ गए और जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अपना मंदिर। बस भगवान ये मंदिर अच्छे से दर्शन करा दे, गर्दी ना मिले। गर्दी में क्या होता है ना यार, थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, अरे उधर हो ना। यहाँ पे भी हमारा रिकॉर्डिंग चालू है, करते रहे भाई करते रहे, रील के लिए काम आ जाएगा। मैं इस मंदिर में बहुत पहले आया, बहुत पहले बोले तो 3-4 साल पहले, जब मेरे घर वाले कुछ ट्रिप पे निकले थे तब एक बार मैं लास्ट के 2 मंदिर मैंने कवर किया था खाली। वो टाइम पे मुझे अष्टविनायक दर्शन कुछ पता चले थे, क्योंकि जब ये मैंने मंदिर दर्शन किया तो ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली आप यहाँ पे अगर दिल से आओगे तो ऐसा लगता है कि हाँ सामने गणपति जी हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पे फील होता है। और देखो यहाँ से बस भर भर के दर्शन करके निकल रही है सब। चलो अच्छा, यहाँ से जितनी बस कम हो रही है उतना वहाँ पे हमको आराम से दर्शन मिलेगा, ताकि हम आगे घाट पे एंजॉय कर सके और मस्ती कर सके। आज हो गया, जस्ट आपको ऊपर सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर ही मंदिर बीच में है, आपको केव टाइप दिखता रहेगा, सेम वही मंदिर है। यहाँ पे भी देखो रूम वगैरह अवेलेबल थे, बट हमको इतना पता नहीं था तो हम इसलिए यहाँ पे आए नहीं, बट पता चल गया कि यहाँ पे भी रूम है अच्छे खासे। अच्छा डेवलप कर दिया इन्होंने यहाँ पे। चलो ये अपना है पार्किंग जोन, जहाँ पे गाड़ी अपनी पार्किंग करेंगे। ऊपर चल, ऊपर ऊपर मिलेगा पार्किंग। ये मंदिर खाली है रे। अभी ये ना नाटक मत चालू करो, तू लेट किया, वो लेट किया, ये लेट किया, अब जाके दर्शन करने का काम करो पहले। अच्छा खासा ऊपर लाइन दिख रहा है, देखो पूरा भीड़ दिख रहा है, पूरा ऊपर चढ़ के जाना, लेकिन आखिर मेरे लग कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे, कुछ लोग खड़े हैं। दवा की भूख में एक वड़ा पाव चाय खा ले रहा हूँ, खाने के बाद कुछ खाएंगे, लेकिन पहले तो कुछ चाहिए पेट में जाने के लिए। लकड़ी वस्तु चला, चलो फिर नाश्ता कर लिए, थोड़ा सा हल्का सा, अब तू और सभी जाएंगे ऊपर चढ़ाई करेंगे। आज जहाँ तक मुझे लग रहा है मंदिर खाली है, फटाफट दर्शन हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है, मंदिर खाली नहीं है, पब्लिक बैठी जा रही, होल्ड होल्ड प्लेस है, पब्लिक होल्ड करके चल रही, इसलिए ऊपर क्राउड ज्यादा दिख रहा है अपने को। लेट्स सी, अब हम ऊपर जाएंगे तो फिर पता चले क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट टाइम आया तो ऐसा नहीं था, बट ये टाइम कुछ नया कर दिया है लोग ने, एंट्री फी बना दिया 2500 रुपये एंट्री, मतलब एक अलग ही स्कैम चालू हो गया इधर। बट ये एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है पता है, कि मतलब ये ऊपर थोड़ा केविस टाइप है ना, तो उसका पैसा एडजस्ट हो रहा है लोग का, बाकी गणपति दर्शन तो फ्री है समझ लो एक हिसाब से पूरा, लेकिन ये गलत है यार। ये भी 2 साल में चालू हुआ ना, 2-3 साल पहले मैं आया तब नहीं था, ये अभी नया नया स्टार्ट हुआ। ये 2500 रुपये आपको स्कैन करके पे करना, बट यहाँ से पे करेंगे तो लिंक ओपन होगा, जो कि कुछ मतलब नहीं होगा, तो हालांकि कैश पे कर देंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। चल निकले, हो गया, दिखा रहे टिकट, दिखा रहे टिकट भी दिखाओ। रुक चार्जर भी है, 1-2 टिकट इस तरह का है अपना, ये लो टोटल पकड़ो, 2 और ये दे रहा है पकड़ो। चलो मेरे को बोल रहा 96 से चालू, मैं मान ही नहीं सकता, लास्ट टाइम मैं आया तो मैं डायरेक्ट चला गया था, नो टिकट वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा ऊपर चला गया था मैं। कान तो छोड़ो, बोले नहीं हो रहा थे, क्या बोलेगा, बहुत खड़ा चढ़ाई है। मेरे 3 घंटा ना, नाम लिखा था, किसको पूछ रहा है, इसको एक बजे उठने वाले आदमी को पूछ रहा है कितना घंटा। लेकिन वो कौन था जिसको सुबह जल्दी जाने, उसको भेज देना चाहिए, नंबर तो आता था। 3 घंटा है, दर्शन करने का देखो कितना टाइम लगता है अभी।
कितना, एक घंटा लगा, एक घंटा लगा, एक घंटा लग गया ऑलमोस्ट, हम ऊपर आ चुके ये सिंगल आना है। हाँ ठीक है, तुम आगे तो बताएंगे सिंगल लाइन, अब जाके दर्शन होगा, अभी अंदर आके पता चलेगा। देखो यहाँ पे दोस्त लोग आ रहे सब, रात कुछ ज्यादा ही रश है यहाँ पे, मतलब कुछ ज्यादा बोले तो लोग एक दूसरे के पहचान में सेटिंग लगा के अंदर आ रहे, हमको सिर्फ दर्शन करना अंदर अच्छे से, इसके लिए मैंने भी एक जगह सेटिंग लगा दिया मैंने अंदर। क्या हुआ, लुक एट द व्यू यार, मतलब पूरा धुआं भी है, फॉग भी है, सब है, मतलब उधर जाने नहीं देगा ना। अरे ये भी खड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइन देखो यार कितना लंबा लाइन है, शॉर्टकट है बट वहां से बंद है, अंदर आ गए। अब हमारे पहचान वाले जो पुजारी हो एग्जैक्ट पूजा के अंदर ही बैठे, कुछ फायदा नहीं, अंदर अच्छी जगह दर्शन करा देंगे तो ठीक है। वैसे एक घंटे एक घंटे की मेहनत करके हम लोग ऊपर चढ़ चुके, वैसे भी ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा लग गया हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए, बस ठीक है। अभी पांच पांडव ने रात में आठ घंटे दी गया, अब जाके इतनी धूप लग रही है सामने, कुछ देख के बोलने भी नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है मेहनत करके? हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है, ये हमें अच्छा भी लगा। आखिरी गणपति है, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है यहाँ पे, या ठिकाणी आमचं खूप चांगलं दर्शन झालेलं आहे, दर्शन हुआ नहीं सात दर्शन चांगलं झालेलं आहे। आय होप की चांगलं दर्शन मन्नत मांगने वाला है, हो जाए यहाँ पे, पसंद आएगा एक पसंद आई है। मैं क्या बोला, सुन रहे अभी क्या बोला, उसको पसंद पसंद आई, वो इसको पसंद नहीं क्या? ये डाउटफुल है, डाउटफुल है अभी, वो इसको देखनी भी नहीं, थोड़ी तो इज्जत करो, पुलिस आगे पुलिस वाले बनेंगे ना भाई, स्टेप चालू है, माइनोरिटी मिलती है अंदर, फोटो अलाउड नहीं, देखो हमारे सामने वहाँ पे वीडियो ले रहे हो, देखो दिखा है, देखो वीडियो कॉल में दिखा सकते हैं, वीडियो कॉल में दिखा सकते हैं क्या, ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं, अरे मंदिर जाती नहीं तो पटना तीन घंटा हमने सोचा कि ईमानदारी से बोलूं तो डेढ़ से दो घंटे में सब काम हो गया अपना, नीचे गाड़ी लगा के ऊपर आके दर्शन करके और रिटर्न जाने में। फिलहाल तो भी लोग काफी बड़े गैंग आ गए, लाल टोपी वाली गैंग है, देखा ये वानर सेना आई है पूरी, ट्रस्टी बट यार क्या प्यारा लग रहा है यार, देखिए ना, मतलब बारिश में एक अलग ही नजारा रहेगा यहाँ पे आने का, यहाँ से पूरा व्यू दिखाता मैं आपको, देखो एग्जैक्ट वो किधर, जहाँ नीचे आपको बस वगैरह दिख रही वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, और स्ट्रेट जाएंगे तो मेन हाईवे जो आपको मुंबई देखे निकल जाएगा। नहीं चलते रहे, खाली खालस है ना, चलो ये टाइमिंग क्या है, अभी चालू 10 बजे से चालू हो गया, चलो खाएंगे भागेंगे नाश्ता करके। ऑलमोस्ट शॉपिंग डन, शॉपिंग क्या बोल सकते, देखो प्रसाद वगैरह सब लेके जा रहे हैं, मैं भी दो टाइप का पेड़ा ले लिया हूँ, एक चीज और मुझे लेना ये ट्राई करना, बट मैं नीचे जाके ट्राई करूंगा, काफी बड़े बड़े प्रसाद यहाँ पे, ये भी पेड़ा ले रहे मिला नहीं तो बच्चे लोग के लिए शाका लका भूमू की पेंसिल ले लिया दो पेंसिल ले लिए, बोले चलो काम आएगा बच्चे लोग को, पेड़ा भी दो काफी अच्छा है। घर के आगे अभी सब रुके नाश्ता करने के लिए, इसने मंगाया पोहा, जो कि अपना पोहा खा रहे हैं, चकली खा रहे फिलहाल, ये देखो अपना चकली इधर चालू है, अभी सबने इसका नाश्ता नहीं हुआ, उसका इडली वड़ा मसाला डोसा, मसाला डोसा का इसका क्या था, तेरा क्या था, क्या था मसाला डोसा इसका अभी था, और मिसल पाव मेरा, मेरा मिसल पाव आ गया, उसका उत्तप्पा आ गया, उसका इडली आ गया, उसका भी मिसल पाव आ गया, और एक इडली अभी आ रहा है, सॉरी मसाला डोसा भी आ रहा है, बड़ा यार मसाले डोसे का तेरे, खाओ 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 सब लोग खाओ, दबा के नाश्ता किए, सबका पेट दिखेगा, इसके लिए भी सब लोग नींबू सोडा पी रहे, उसको छोड़ दो एडवर्टाइज है, फिलहाल सबका नींबू सोडा रेडी हो रहा है, हटो सदगुरु कृपा जूस सेंटर।
या कडक उन्हाची सरबत फक्त 10 रुपयात, याच बरोबर थंडगार कोर्स गोळा आणि थंडगार पाण्याची नक्की भेट द्या आणि खास आपल्या सेवे या उन्हाच्या झळांपासून वाचण्यासाठी जीवाला आराम देण्यासाठी आपल्या वातावरण करण्यासाठी खास आपल्यासाठी बनविलेले अवीट गोडीचे अप्रतिम चका या मावशी या आत्या या मामी या ताई या सो फाइनली वी आर लीविंग। हमारा अष्टविनायक दर्शन अब जाके टोटली कंप्लीट हो चुका है। सो फिर अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, अब यहाँ से सीधा हम लोग रुकेंगे मालसेज घाट पे और वहाँ से डायरेक्ट जहाँ भूख लगी वहीं पे गाड़ी रुकेगी, नहीं तो फिर गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ चलो, बाइक्स आर रेडी, माइक कैमरा सेटअप इज रेडी। अब निकलेंगे यहाँ से सीधा मुंबई। ये घाट के बाद रुक जाना जरा, पेट्रोल भराना मेरे को। चलो गणपति अप्पा मोरिया, थैंक यू। अच्छे से 8 गणपति दर्शन कराने को, बस ये 5 घंटे का रास्ता और है। सही सलामत सब घर पहुंच जाए, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, तो सफल ये राइड, ये यात्रा पूरी अच्छी तरह सफल हो जाएगी हम लोग की। है अभी और 3-4 बड़े बड़े राइड प्लान्स हैं, मैं भी शायद बाइक से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, लेकिन उसमें से एक ही है जो हम लोग ट्रेन से करेंगे, बाकी जितने भी हो सब बाइक से होने वाली है और वो सब बिग बाइक से होने वाली है, सब छोटे मोटे स्कूटी से नहीं। एटलीस्ट 200-150 सीसी की बाइक ही उसमें चलने वाली है। यहाँ पे पानी की तो कितनी किल्लत है, इतना सबको सर पे उठा के पानी लेके जाना पड़ता है पीने के लिए। और यहाँ की गवर्नमेंट कौन है क्या है पता नहीं, जब मंदिर और ट्रस्ट के लिए इतना पानी के लिए कर रहे थे, यहाँ पे गरीब लोग लोकल रहते, थोड़ा उनका भी ख्याल रखा जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए तो अच्छी बात है। जाओ 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 जल्दी जाओ, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, रुक जाओ, चलो उधर चलो उधर, उठ उधर उधर, सीधा सीधा अंदर अंदर, हट चलो अंदर, चलो उठ चलो अंदर, भगाना भगाना उतर भगाना, चलो चलो अंदर, चलो चल बैठ। रास्ता भटक जा रहे हो लोग, भाग भाग के रोड पे आ जा रहे हैं। हाँ अच्छा लगता है रोड पे ऐसे लोग खेलते कूदते, बस थोड़ा ध्यान देने का है ऐसे सिंगल रोडों पे आप थोड़ा अच्छे से। जस्ट लुक एट द माउंटेन यार, क्या दिख रहा है। हालांकि अभी यही माउंटेन क्रॉस करके हम लोग को उस तरफ जाना है, ये जो घाट आपको दिख रहा है उसको मार्सेट घाट बोलते हैं, यही घाट हमको क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है अभी। बट लुक एट द माउंटेन यार, क्या प्यारा दिख रहा है। बारिश में मैं यहाँ सफ़र कर चुका हूँ, मानोगे नहीं, पूरा ऐसा लगता है ना हरा हरा, खाली सिर्फ पहाड़ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। अभी थोड़ा वीडियो मेरा लेने बोलता उसको। ए बादल लैंडस्केप में वीडियो लेना पड़ा, जल्दी ले जल्दी ले, आगे जा आगे जा। ये लोग सब इतना गाड़ी भगाने लग जाते ना कि इन लोग हमें शूट ले ही नहीं पाते, फिर बाद में ये लोग बोलते हैं वाले वीडियो में हम लोग दिख नहीं रहे। अब तुम लोग इतना गाड़ी भगा भगा के लेके चले जाओगे तो मैं कहाँ से तुम लोग को शूट करूँगा, थोड़ा आराम से चलो। बाइक की एक खासियत होती है आप गियर चेंज कर दो फटाफट चलने लग जाता है, स्कूटी है कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। अब एक खरीदे है तो एक ट्रिप के लिए तो उसमें पता करना ही पड़ेगा ना कि इसमें कितनी कैपेसिटी है करने की कि नहीं।
लोग इस पे लद्दाख चले जाते हैं, कश्मीर तो कन्याकुमारी मार लेते हैं। हम एक 800-900 किलोमीटर का राइड नहीं कर सकते। चाचा को देखो मेरे पीछे, राजदूत पुरानी वाली हीरो होंडा सीडी डॉन लेके ये मचा रहे हाईवे पे। जियो चाचा जियो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। हाँ, इसी का तो पैसा है, यही तो नज़ारे हैं। देखो कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, कभी मौका मिले तो ज़रा ज़रूर एक बार महाराष्ट्र की खूबसूरती में आके यहाँ पे एक बार घूम के आप देख लीजिए कितना प्यारा महाराष्ट्र है हमारा। ये घाट, वाह मादर। गा दिया सबकी। ये अभी एक छोटा सा घाट जो हम लोग चढ़ रहे थे उसका डाउनफॉल चालू हो गया, फिर एक सिटी लगेगा, उसके बाद फिर वापस अपना मालसेज घाट चालू हो जाएगा। चलो फिर आ गया पेट्रोल पंप, क्योंकि कांटा देखो आधे से थोड़ा नीचे है। फुल करा रहा था बेटर रहेगा, क्योंकि घाट चढ़ेंगे आगे मिला ना मिले तो तकलीफ हो जाए, तो बेटर यही कि इससे अभी भरा के निकल जाएंगे आगे। मेरे को पता था मेरा फोटो मेरा पेट्रोल भरा के आने तक मैं यहाँ पे ये लोग 100-150 फोटो मार ले रहेंगे। अभी तक देखो एक आई फोटो सेशन इधर चालू है, एक फ़ोटो सेशन इधर चालू है। चलो अच्छा है यार। प्रदीप भाई मेरा भी मार ले, इधर से मारना पहाड़, अकेले ऐसा मारना पहाड़ दिखे नदी दिखे। कितना वजन लिया यार देखो अंकल, कौन सी मशीन है मुझे पता नहीं, बट लिटरली यार सो है। अच्छा खेत के पीछे लगने वाला चीज़ है, वाह ये है असली बाहुबली। सही है, अभी एक रोड का पूरा काम चालू है, इसके लिए काफ़ी देर से इतने ख़राब और गंदे रोड आ रहे हैं। वी आर हियर इन मालसेज घाट, पहुँच गए मालसेज घाट के अंदर। अब अपनी पंटर लोग कार रुके वो देखते एक बार। हाँ इधर तो हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इधर है वे लोग, कार रुके लो जरा फोन मारने तो। अरे घाट तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है, हमारे लिए भी रास्ता छोड़ो आने जाने को, कि तुम लोग ही आओगे जाओगे, कमाल से लोग हैं। आई गेस यहाँ पे लोग होंगे शायद, एक बार देख लेते हैं तो फिर कहाँ होंगे पता नहीं। यहाँ पे तो बाइक नहीं दिख रही, वे लोग कहाँ गए बे? पीछे गए, पीछे रह गए क्या? नेटवर्क भी नहीं दे रहा, देख जरा। अंशिका तुम घेऊन मस्त और यहाँ से गफू चक्कर जाते। चाय है क्या? पानी पिया देना। एक और, एक और, एक और, एक और दे दो, एक और दे, एक और दे, एक और दे दो, प्रदीप ले। चलो 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 फाइनली अपने चंगू मंगू पंटर लोग मिल गए।
मेरे को लगा घर जाना पड़ेगा अकेले, मेरे को लगा घर निकल जाओ, तुम लोग गए नीचे। चलो तो अभी जाएंगे फाइनली अपने व्यू पॉइंट पे, करेंगे एंजॉय। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या हुआ? यहाँ से लिया क्या? क्या नमकीन नमकीन इंद्री खाएगा बोल रहे हैं? किधर है थैली? मेरे पास नहीं थैली, इसके पास। गाड़ी में लेके आओ, चल पहले ऐसे चलते रहे, चल देखते बाद में, चल। अरे वो तो धूप में ना यार, चल लेने आ जाएगा, इसको करने नहीं देगी। प्लान है यहाँ पे एक घंटा सक्सेसफुली वेस्ट करने का, तो कुछ इस तरह ही देखो, पूरा यहाँ पे जगह खाली था तो वहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप छोड़ दिया अपना, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है। थोड़ा यहाँ पे फोटो सेशन चालू है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग ने अपने लाइव मिक्सर लाया। ए जरा आवाज निकाल दो, अभी रुक जा बाद में, बोल बोल सर बोल। संगीता सुनाई दिया अभी, किसका नाम था वो, यही कहीं है वो, आता रहेगा भाग के नाम सुन के। बारिश में सेम इसी प्लेस पे आए थे फोटो लेने, बट कुछ फोटो क्लियर आ ही नहीं रहा था। अब फिलहाल बारिश नहीं है, धूप है, बट इतना भी गर्म नहीं है, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे भी कितना अच्छा अच्छा फोटो आता है। ये बादल कितना नाम लेके देखो, चिल्ला रहे, इको हो रहा है, वहां तक आवाज जा रहा है। बादल को देखना क्या क्या नाम से बुला रहे लोग, क्या क्या लड़की लोग के नाम से बुला रहे लोग। एग्जैक्ट देखिए एंड पूरा, हाँ आना आना। किसने लिया? ए बादल, ये देखो पूरा एंड पॉइंट है, और यहाँ पे चालू है फोटो सेशन। इसको मालसेज का सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, क्या मालूम ऐसा मैं सुना हूँ है कि नहीं, भगवान जाने। या फोटो सेशन इसको बोलते, देखो एक्चुअल बॉडी का चमक रही इसकी यार, तू खुद कर रहा है, कोई छुए नहीं उधर। कंटाल गए बैठे बैठे भी जा रहे, डिक्की में जो पूरा बिस्किट और सामान रखे वो पूरा लेके आएंगे, कंटाल लाएंगे, आधा घंटा और बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, देन यहाँ से निकल के सीधा आगे। अब ऐसा हो गया कब घर पहुंचू, कंटाल आने लग गया, अभी ज्यादा ट्रैवलिंग 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 भी कंटाल आने लगता है कि नहीं। अब घर 3 दिन का ट्रैवलिंग था, घर घर याद आ रहा है अभी। चेक करके देख रहा है क्या है। ए नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा मत दिखा। ना महंगा बिस्किट खा रहे दोस्त तू, अरे अभी क्रीम चाट रहा है खाली, उधर 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 ये चमाट दे देगा, गन्ना गन्ना नजदीक मत, चमाट दे देगा। गन्ने का मोए मोए कर दिया लेकिन। खा ले दोस्त, खा ले खा ले। अबे वो देख खाली क्रीम चाट रहा, दिमाग देखना संदीप। देखना खाली बिस्किट खा ही नहीं रहा यार, ठंडा नहीं है इधर, ठंडा नहीं, ठंडा आता है नहीं मिलते। ये लंगूर है, आटा आटा देखो, ये लंगूर लोग आए, और यहाँ पे ये बंदर की जिन लोग हम लोग ने अभी तक बिस्किट दिया था, ये लोग हम लोग को बचा रहे लगते देखो। लेकिन एक चीज समझा नहीं, ये लोग बिस्किट खा रहे, ये लोग बिस्किट नहीं खा रहे, इसके लिए लोग लफड़ा चालू है लोग अभी। ऐसा मत रुक जाओ, पहले खा रहे लगते खा रहे, हटे हटे हटे, मारा मारी करेंगे, उठो चलो अभी गन्ना चल, बहुत चकली बहुत बचा ले लेके चल, बैठू कर ऐसा लगा है सबको लगा। खैरो कौन सा, मेरे पास मेरा गॉगल, मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया मेरा गॉगल। धीरज का तेरा ही था, तेरा ही गॉगल गिरा है। किधर गिरा? टूट गया लेकिन, टायर ऊपर चला उसके, अगर पीछे ही है उसको बोला टूट गया। 499 ऐड कर देना, लेकिन वो दोनों देखेंगे ना, वो दोनों ने तोड़ा है। 499 ऐड कर देना उसमें, हेलमेट गिरा मत भाई, हेलमेट यहां रख। चलो फिर कैसा है, अब जाके हम लोग एक थोड़ा ग्रुप फोटो के लिए रुके, यहाँ से ग्रुप फोटो लेंगे और फटाफट निकल जाएंगे। चलो भाई ओवरऑल वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया, चलो भाई मेरा ड्राइवर भाग गया। हाँ जा रहा जा, चलो। परफॉर्मेंस
एक्सेस का बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा। इस गाड़ी ने इन दो गाड़ी को कॉप अप करके बहुत अच्छा चला है। टॉप स्पीड इसकी 90-95 तक खोलती है, तो आराम से इन लोग को पकड़ के चल रहा है, लेकिन मैं 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं पीछे रह जा रहा हूँ। लेकिन अगला ट्रिप अगर मेरे को कोई पकड़ लिया भाई, पार्टी मेरी तरफ से दूंगा, लीड मैं करूँगा अगली ट्रिप पे अपनी बाइक के साथ। आ जाना, NS200 लेके आऊँगा या BMW 310, ये दो में से एक गाड़ी में लेके आऊँगा दोस्त, फिर देखते हैं कि बच गया। पूरी गाड़ी देखो उसकी इधर आ गई थी। इतना दबा के मत निकल, थोड़ा रोड पे रख के चल, वाइट पट्टा मत पकड़, नहीं समझ रहा मेरे पीछे आ। एक्चुअली क्या है ना, उतरने में ढलान काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप न्यूट्रल पे उतारोगे तो भारी पड़ेगा। गियर कंट्रोल पे गाड़ी देगी तो आपकी जाएगी, और लेफ्ट में नीचे उतरने में जितना हो सके इस वाइट पट्टे से आप बीच की तरफ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये क्या कर रहा है, कॉर्नर से जा रहे हैं, तो थोड़ा घसकने का डर रहता है गाड़ी, बस चलो कुछ नहीं, होते रहते। चलो फिर थोड़ा सा इशू ये हो गया कि उसका जो इंजन गार्ड का गैबरेल रहता वो टूट गया, तो उसको अभी थोड़ा बांध के जुगाड़ कर रहे ताकि घर तक आराम से जाए, उसके बाद वहाँ पे मैकेनिक से करवाएंगे आराम से, क्योंकि सर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नीचे है ना, इसके लिए लग गया इसको। जिसका डर था वही हुआ। मेरे को लग रहा था कि कुछ होगा, आखिर में हुआ है। देखो नो एक्सलेटर काम कर रहा है, गाड़ी नहीं भाग रही है, मतलब मेरी गाड़ी का ब्रेक वायर वो टूट चुका है। ये पीछे अपना रिक्सर है, गन्या को हाथ दिखा दे। नहीं, थैंक गॉड। फोन कर किसी को। रुका तो एक मोटू, अरे दोस्त सुनना, आगे आप जाओगे ना तो एक बुलेट वाला मिलेगा, या फिर एक्सेस ब्लैक कलर की रहेगी, या तो जिक्सर रहेगी। तीन बाइक वाले एक साथ खड़े मिलेंगे ना, बोलना पीछे तुम्हारा एक्टिवा वाला है उसको, नहीं एक मिनट, चलो हो गया, एक गाड़ी वाला मिल गया अपने को, बेल्ट टूट गया मेरा। गन्या इस पे बैठ, बेल्ट टूट गया मेरा। अरे इसका फोन आया था, वो अपने एरिया का प्रमोद का। हाँ। मेरे इधर आए नहीं, इससे बात करते बेटा, मेरा बेल्ट टूट गया। तो कैसे चले गाड़ी? बेल्ट टूट गया उसका, गाड़ी नहीं, मैं वो चलाओ, तू बैठ धक्का देता हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ? बेल्ट टूट गया गाड़ी का। हाँ बैठ, मैं टोचन मारता हूँ। हाँ तू उस पर बैठना, वो थोड़ी ना संभाल पाएगा, मैं इससे टोचन देता हूँ, नीचे गैरेज है। आएगा क्या लेकिन मेरे को भी, वो तो बैठना है खाली, प्रदीप को फोन देना, बाकी मैं करता हूँ। तेरे नेटवर्क है क्या? प्रदीप को फोन करना। आगे मैकेनिक है, पूछा किसी? हाँ मेरे को मालूम है मैकेनिक से। कौन आ रहे? खाली काम करना आशीष, कोई भी इसको धक्का मार के खाली थोड़ा ऊपर तक ले लो ना बस। एक्चुअली क्या, यहाँ पे थोड़ा चढ़ा नहीं ना, तो गाड़ी एक बार में चढ़ेगी नहीं, बस अभी चल बैठ जा प्रदीप, बैठ जा। ये जितना हो सके ना ब्रेक ना मारने की कोशिश कर, ठीक है? अभी अपने को ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर के बाद अपने ऊपर घाट से रोड लग जाएगा, 7 रोड, ठीक है? चल भाई रुक जा, तू एक काम करे, बैग संभाल खाली, एक बैग ले ले बस, ठीक है? बीच में रख ले या किधर भी रख ले, बस चल बस चलने देगा ना, हिम्मत ज़्यादा एकदम आराम से, ऐसा लगना चाहिए बैटरी वाली गाड़ी चला रहे, मैं नचा दूंगा उसको। नहीं हाथ मत दिखा, कुछ मत दिखा, चलने दे। चलो फिर आज लास्ट डे के लास्ट ट्रिप पे यही होना था, थोड़ा गाड़ी राइट में रखना,
बेल्ट सारा मैकेनिक को दिखाया था, वो बोला बराबर है। उस दिन भी सोचा दिखा दूँ, लेकिन जब मैं चल रहा तो चलने दे बराबर, काहे के लिए 10 बार दिखाओ। खाली चाबी ऑन रखना हॉर्न मारने के लिए, बस बस चलने दे इसी। चलो कोई नहीं, मेरा टेक्निक मुझे ही काम आ रहा है। अचानक से गाड़ी ना कन्या पावर ही नहीं ली मेरा, ये क्या हो रहा है, खाली चिल्ला रही है मेरा। ले भाई क्या हुआ, नहीं नहीं आगे नहीं, अभी स्टार्ट हो रही, आगे नहीं जा रही है। एक्टिवा का बेल्ट टूट गया है, बेल्ट है आपके पास, कितना लगेगा बेल्ट, कितने का? ओरिजिनल। और आपकी मजदूरी, आपकी मजदूरी बेल्ट लगाने का 200 रुपया भाई, फिर भी हाँ 400 रुपया उसका है, बेल्ट का है, मजदूरी 200 रुपया, 600 रुपया। एक धकेल धकेल धकेल, अरे बोलो ना, हम लोग चढ़ा वो कर देंगे। तो कुछ इस तरह की हालत हो चुकी बेल्ट की टूट के, और ये पूरे है देखो टुकड़े टुकड़े में बेल्ट बाहर आ रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं, बाकी कोई दूसरा नुकसान नहीं लग रहा ना, चलो सही है कर दो। हाँ ये देखो पूरा मतलब बेल्ट की हालत देखो, संभालो भाई बहुत गाड़ी लंबी चल रही, बेल्ट की हालत देखो कैसी हो गई। चलो तो फिर घाट के, घाट से जस्ट 6 या 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ में गाड़ी डाउन हुई थी, जैसा तैसा उसको धक्का मार के वापस से गैरेज पे लेके आ गया। अपने को ओरिजिनल बेल्ट इसका मिल गया है, अब उसमें नया बेल्ट लगा देंगे, उसके बाद फिर गाड़ी वापस से रनिंग हो जाएगी। फिलहाल तो देखो जो भी है इस पर ग्रीसिंग वगैरह वापस से कर रहे हैं इस पर। चलो गाड़ी तो बन रही है, साथ में देखो इसकी एक्सेस जो कि टॉप पे लीड कर रही थी, कल नसीब आज नसीब थी कि इसकी गाड़ी लास्ट में थी, तो मेरा काम अच्छे से हो गया। और अपने बाकी पंटर कहाँ सोए, जरा दिखा तो, मजे आधा पौना घंटा लग रहा है तो लोग उधर बैठे थे आराम कर रहे, पावर नैप ले रहे, मेरा चश्मा तोड़ के कितने प्यार से सोया देख, आराम कर रहे। तो चलो फाइनली बन के रेडी हो चुका है, बेल्ट लग गया है इसके अंदर, अभी एक बार उसको राउंड लेके देखता हूँ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा अच्छे से। फिलहाल लग तो रहा है चल रहा है अच्छा, एक बार चला के देखते। चलो फिर बेल्ट लगा के डन हो गया। ये कौन सा हाईवे अपना दोस्त, टकोड़ा हाईवे, मतलब मालसर घाट से आप उतरोगे तो हार्डली 1-2 किलोमीटर पे आपको भाई की गैरेज दिख जाएगी। कभी भी कुछ भी रहेगा बिंदास आइए, यहाँ पे काम हो जाएगा आपका आराम से, कोई टेंशन नहीं अपने को। हालांकि आप इस रोड पे और आगे जाओ तो आपको काफी गैरेज मिल जाएंगे, बट घाट के ऊपर एक बार चढ़ गए तो सीधा आपको 40 किलोमीटर घाट उतरने के बाद ही जाके आपको उधर पूरा आपको गैरेज वगैरह मिलेगा। चलो तो फिर गाड़ी बन के रेडी, ऑल सेट टू लीव, अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया अपना। अपने दूसरे सखी बंधु लोग सब 6 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, अभी हम भी वहाँ पे जाएंगे। अब थोड़ी गाड़ी मेरे को लग रहा है अच्छे से पिकअप लेगा जाते, बट मेरे को डैम श्योर इस बंदे ने ओरिजिनल बेल्ट नहीं डाला है, क्योंकि उसको मैंने 2 बार बोला भाई मुझे पैकेट दिखा दे, पैकेट दिखा दे, चल भाई। इस बंदे को मैंने 2 बार बोला भाई मुझे पैकेट दिखा दे, इस बंदे ने मुझे पैकेट नहीं दिखाया, तो बोला रे खुला में रखा था मैंने, पैकेट ख़राब हो गया उसका। तभी मैं समझ गया कि ये डुप्लीकेट बेल्ट है, डुप्लीकेट यानी थर्ड सेकंड कॉपी हो सकता है, प्योर ओरिजिनल तो है ही नहीं जो होंडा वाला देता है। बोला चलो ठीक है जान दो, लगा दिया। अब इसको 1000-2000 किलोमीटर खींच के इसका कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये घसता हुआ मिला, ये ज़्यादा घस रहा है तो फिर इसको हम लोग चेंज कर देंगे और फिर इसको ओरिजिनल से रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल गाड़ी चलने में भी एकदम मस्त हो गया है, पिकअप भी थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि वो बेल्ट घस रहा था ना इसके लिए पिकअप नहीं ले रहा था, और भाई ने ग्रीसिंग भी कर दिया थोड़ा सा गोटी वगैरह पे, तो गाड़ी और स्मूथ हो गई। बैग इस पर लग दिया, हाँ ठीक है। हालांकि क्या बोलते हैं, बेल्ट का कंडीशन था ओके, बट इस राइड पे इसको बहुत ज़्यादा खींचा गया गाड़ी को, मतलब थोड़ा लिमिट से ज़्यादा ऊपर ही चली है गाड़ी,
तो उसके वजह से गर्म होके बेल्ट अपना जात सॉरी गर्म होके बेल्ट ने अपनी औकात दिखा दी। चलो कोई नहीं, अब बेल्ट हो गया नया और रेडी सेट टू गो और गाड़ी भागेगी धनाधन अपनी। चलो तो फिर अपने यहाँ पे सखी बंधु लोग आ गए, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। एक चीज क्या हुआ है देख, ये नीचे लटक गया था, ध्यान नहीं दिया ठीक है। छोटी छोटी चीजें, पाइप भी दब गया, इधर से हवा आ रहा है अंदर जा रहा है। ये गने का पाइप है। चलो तो फिर मुझे लग रहा है हम लोग मुरबाड़ के मार्केट में हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर में मुरबाड़ और 40 यहाँ से 12 किलोमीटर मुरबाड़ दिखा रहा है, 40 किलोमीटर कल्याण और कल्याण मतलब मुंबई पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर और अपने को जाना है अभी यहाँ से। ये सिंगल लेन रोड है पूरी, बस आगे से सब लोग वहाँ पे रुक जाए जहाँ से मुंबई का राइट बोर्ड दिखा रहा है, वरना वो अंदर का रोड लेके जाएगा। मैं इन लोग को कल्याण से लेके जाने के प्लान में हूँ क्योंकि वो रोड काफ़ी अच्छा है कल्याण का। यार क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है साला, अब भी यार तो जस्ट बेल्ट डलवा के लेके वापस से बेल्ट उतर गया यार। ये क्या फालतू गिरी यार, इसका चालू हो रहा है बट मूव ऑन नहीं, मतलब बेल्ट का इश्यू हो गया। ए बुलेट वाले हो क्या ना, बुलेट पे कौन है, यूटर्न मार के आ जा, यूटर्न मार के आ जा। अगेन ब्रेक डाउन, क्या मालूम क्या हुआ है, नसकुंडी लगी है क्या लगी है, फिर से मेरा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया। अभी देखो जस्ट बेल्ट डाल के चलाया, मैं लगता है हार्डली 15 या 20 किलोमीटर भी नहीं गाड़ी चली रही, 10 किलोमीटर भी नहीं चली और गाड़ी हालत 6 किलोमीटर पे लोग खड़े थे, 5-6 किलोमीटर बाद देखो ये हालत, मतलब वही 10-12 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली और वापस से तकलीफ दे दिए। क्योंकि अभी खुलेगा तो पता चलेगा। अभी हद होती लूटने की यार, भेन साला ओरिजिनल बोल के मादर, देखो शिट यार, दूसरी गाड़ी का धोखे तो नहीं लगा दिया क्या यार। है ना ओरिजिनल दिखा दो एक बार जरा, ओरिजिनल लेके क्या है, ये भी वही कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये भी वही कंपनी है क्या, ऐसा ही पैकेट टा गया। अरे लगा दिया डायरेक्ट उसने, क्या बोलने, पूरा डिक्टो जैसा ही आपका दिख रहा है ना साइड से वाइट, सेम उसका भी एसी था, लेकिन नाम उस पे दिख रहा है क्या, ये बंधु हिंदू कंपनी कौन सी है। बोल रहे मैं मान लूंगा कि ठीक है, लेकिन वापस से वो दिल दुखने वाला काम ना हो जाए। 400 रुपए खाने भी कितने का है, देने को कुछ नहीं, मैं करा दू 350 घर पहुंचने, लेकिन यार फिर से वही सीन होगा तो फिर डालो यार, अभी जान दो कि तो इतना लूटे बटे हैं गांव कड़े में लगाओ, लेकिन जरा अच्छे से लगाना भाई। और तुम्हारी मजदूरी कितनी है, क्या करना 100 रुपए। चलो ठीक है करता भाई, आराम से आराम से। अरे भाई 2 महीना हुआ इसको नया डालो, ये पूरा सिंबल नया डालो, पूरा सिंबल नया डालो, मतलब जानते बवाल नहीं सी बोल के, इतना टुकड़ा बेल्ट का हुआ यार, बहुत गर्म है रे, वो गर्म होता है ना पूरा, उस पर गाड़ी चलती है। डोंट नो अभी ये भी क्या चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, बट अब देखो ये बंदो बैंडो कंपनी है कुछ तो है, अब ये डाल के देखते क्या चलता है यार। लेकिन सच में भाई कब गलती से कभी उस रस्ते पे गया ना मैं पकड़ के, ये मोरी कौन दिख रहा है, बादल वही बोला तमाशा देखो, तुम लोग होटल में बैठे बैठे वो अग्नि बैठा है वो लग रहा है। मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया ना, तो ब्लॉग के स्टार्ट में सबसे पहला लाइन मैंने एक ही चीज बोला था, या तो एक्टिवा पे मेरी पहली राइड होगी या तो आखिरी राइड होगी, अब मुझे लग रहा है ये मेरी आखिरी राइड होगी, अब ये दोबारा राइड पे नहीं आएगी, ये सिर्फ मुंबई के अंदर ही, अब ये सिर्फ मुंबई के अंदर ही चलेगी, मुंबई में जो काम करता है उसमें चलेगी। हाँ अरे भाई हर दूसरे महीने में काम, दिन में मेरा 120 किलोमीटर रनिंग है तो
इसलिए मैं काम कंटिन्यू कराता हूँ। बेल्ट अभी फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है, कुछ दूसरा दिक्कत है, देखना पड़ेगा बार अच्छे से। चलो खैर कोई नहीं, नसीबी छोटी क्या करें। चलो तो फिर इसमें बेल्ट लग चुका है, फिटिंग का काम चालू है। अब भगवान भरोसे अब यहाँ से निकलेंगे, देखते भाई के हाथ में क्या है, जादू है, घर तक पहुँचा पाते कि नहीं हमको इनका हाथ। बाद में शिवा देख लेगा। यार भाई ने बना लिया, मैं भाई बोला आप ही टेस्ट राइड लेके आ जाओ, फाइनल कर लो अच्छे से अपने हिसाब से। चलो भाई गाड़ी दो, कितने प्यार से लेके आ रहा है बंदा, बराबर है। चलो फिर भाई की बात मान लेते हाँ। करता हूँ मैं, बेल्ट वही करूंगा मैं, इसको ओरिजिनल ही डालूंगा। लगा दो साइड स्टैंड लगा दो। चलो फिर यहाँ पे अपना काम हो गया, फिलहाल मेरा तो काम हो गया, मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेट्स सी मुझे और 80 किलोमीटर का राइड करना है, मैं पहुंचता हूँ कि नहीं पहली बात वही चांस बना हुआ है। चलो फिर मिलते आगे। चलो तो फिर गाड़ी डन, दूसरी बार एक घंटे के अंदर दो बेल्ट टूट चुका है, अभी तीसरा बेल्ट हम लोग ने लगा दिया है। सोचा था ये टाइम पे घर पहुंच जाएंगे और ये टाइम में अभी तक हम लोग यहीं पर है, अभी क्या कर सकते हैं अभी। चलो खैर अभी चलते इसको 60 पे धीरे धीरे के लेके, ज़्यादा भगाऊंगा भी नहीं गाड़ी अभी, वरना आप टूटा तो मैं माँ कसम मेरा पागल हो जाऊंगा एकदम। अभी लुक एट द ब्यूटिफुल सनसेट होटल, अभी सनसेट हो रहा है, सॉरी होटल के पास पहुंच गया, सनसेट हो रहा है। भूख तो अभी मैं क्या ही बोलूँ यार, अब ना के बराबर भूख हो गया, एकदम गुस्सा और एकदम, अब मैं क्या बोलूँ अभी, जाने दो। ये आगे आगे शायद है लोग, हाँ अरे उधर बैठे हो, किधर है वो लोग, अभी नहीं दिख रहे। चलो तो फिर हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट होटल के पास, आ गए, भूख भी चरण सीमा पे आ गई, और दिन क्या बोलूं बिना सर, छान जलती है ना। अरे यार वही टूटा रे, पूरा 10 टुकड़े में टूटा, 10 टुकड़े में, हाँ नया डाला वापस। हाँ अरे वो बोला है मेरे को, बोलता है भाई जो तुमको डाला है ना उसने, वो ओरिजिनल नहीं डाला है, और उसने भी जो दिया ना उसने बोल के दिया, बोलता है मेरा ओरिजिनल नहीं है, 350 का है, लेकिन आपका काम चलेगा, आपको चाहिए तो मुंबई जाके आप चेंज कर लो अपने हिसाब से। आपका लास्ट ये अपना लंच डिनर मालूम है, दोपहर का खाना हम लोग शाम में खा रहे हैं, हाँ लंच डिनर नाश्ता सब समझ लो, ये लास्ट है अभी हमारे यहाँ पे। यहाँ से 2 या 2.5 घंटे का सफर है मुंबई का अपना, क्या बोले मैं, गुस्सा एकदम अलग ही लेवल पे जा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते गाड़ी को लेके। लास्ट ईयर तुम लोग शायद इसी होटल में रुके थे ना, राइड करके आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, भीमा संघ के लोग ये होटल में रुके थे, और नसीब आज देखो आज मेरी गाड़ी जिधर खराब हुई जस्ट ये होटल के पास ही लोग पहुंचे थे। तो चलो फिर यहीं पे रुक के खाने ही खा लेते, भी क्या कर सकते, बोल रहे थे खाना बहुत अच्छा था, एक बार खाएंगे तो पता चलेगा। मैं इतने टाइम मैंने सिर्फ झुरका भाकड़ी का नाम सुना था, मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ, पहली बार खा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। चलो तो फिर खाना खा लिए, सब खा लिए, अब यहाँ पे बैठे, सुस्ती थोड़ी चल रही है, मौसम ठंडा होते जा रहा है धीरे धीरे, तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से हम लोग को और 77 किलोमीटर गाड़ी खींच के लेके जाना है मुंबई के लिए, उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे सही सलामत अपने घर पे। तो रेडी स्टडी को खाना खा के हो गया, निकलते अभी हाईवे पे। तो अब जाके पहुँचे हम लोग कल्याण स्टेशन, रोड जो है अभी ये थोड़ा मार्केट अपने को घुमा के लेके जा रहा है अंदर की तरफ से, बिकॉज अभी हम लोग को पहुँचना है शिवाजी महाराज के चौक पे, एक बार वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ से फिर लास्ट अभी चाय पीने भी रुके थे हम लोग, बट कुछ वीडियो शूट नहीं हुआ, 2 मिनट के रुके, फटाफट चाय पिए भाग गए, बिकॉज ऑलरेडी सब कंटाल चुके हैं, थक चुके हैं एकदम,
कैसा होता है ना, जब जो सफ़र स्टार्ट होता है तब मंजिल पे पहुंचने का मज़ा आता है, मंजिल पूरा कर लो फिर घर लौटने की खुशी रहती है, ऐसा लगता है कब घर पहुंचूं, कब घर जाऊं, ऐसा हो जाता है। तो बस वही चीज़ अभी सब लड़कियों के साथ हो रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी सब रफ चला रहे, सब अपने एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके रखे। मैं ऑलमोस्ट अपनी यही एवरेज स्पीड पर चला फिलहाल, अभी जब से सेकेंड बेल्ट डाला हूँ गाड़ी में कुछ भी इशू नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी अपना ऑटोमेटिक अच्छे से चल रहा है। बट इसका कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा कल अच्छे से इसको चेकअप करा के, नहीं तो कल को फिर किधर वापस लंबा जाने में अगर फंस गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में डालूंगा, जैसे तीन दिन हमारा देवी का लगा था गणपति का दर्शन करने के लिए, एज इट इज़ तीन पार्ट में ही मैं अपलोड करूँगा। मेक श्योर करना कि अगर आप जो भी पार्ट देखिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए अच्छे से। अरे बाबा रे बाबा, वो अरे नाकाबंदी, फिर नाकाबंदी लगी नहीं है फिलहाल, अभी चालू होगी, अभी संडे है ना इसके लिए। बट ये रोड भी ठीक से बना दिया लोगों ने, वरना कितना बेकार रोड था ना ये, बाबा रे बाबा। अभी हम लोग एरोली टोल क्रॉस कर चुके हैं, अब यहाँ से पकड़ेंगे पवई का हाईवे, देन डायरेक्टली स्ट्रेट टू घर। अब आपको मिलता हो सीधा घर में, अगर कुछ सॉरी अभी आपको सीधा मिलते हैं अपने एरिया में जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था वीडियो। कुछ अच्छा मिला तो आपको दिखा दूंगा रास्ते में, अदरवाइज सी यू देयर। लाख दुनिया घूम लो, जब अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने घर के पास पहुंच जाते हैं तो अलग ही खुशी होती है। आज चौथा दिन है जो हम लोग घर से बाहर थे, मतलब एक रात पकड़ लो और एक पूरे तीसरे दिन का आधा पकड़ लो, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 दिन हो गया हम लोग घर से बाहर है। अब जाके घर पहुंच रहे, बस ऐसा लग रहा है कब घर पहुँचूँ, नहाओ धोओ खाना खाओ और थोड़ा सो जाओ, और सो के थोड़ा पहले जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हुए सबको डायग्नोस करूँ, कौन से काम के हैं कौन से काम के नहीं हैं उसको डिलीट करूं। खैर अभी बाकी आधे बाइकर तो बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं, मेरी बारी है जस्ट। मैं हर बार लेट ही हो जाता है, मतलब लास्ट उधर कुछ गाड़ी में आवाज आने लगा, वो चेक करने के लिए रुक गया तो उसके वजह से एकदम ही लेट हो गया। हमारी मंजिल आ गई, अब हम घुसेंगे इस गली के अंदर से, जिसके जिसके बैग है उसको देंगे रिटर्न। चलो दोस्ताना, चल इधर, खड़े रह के देख रहा है। चलो चलो, फाइनली पहुंच गए। कैसा लगा ट्रिप? फिर अच्छे से गया। ये ले बैग किसने, बैग किसके देना उसको? नहीं वो थैली मेरा, सॉरी दोस्त। स्टार्ट किए थे वहीं पे आके खत्म हो रहा है, 12 बजे यहाँ से स्टार्ट किया था, 10 बजे यहीं पे खत्म हो गया, 3.5 दिन ना, 3.5 दिन। अरे ऐसा तो चलो फिर उन सब को छोड़ के मैं भी पहुंच चुका हूँ अपनी पार्किंग में। अब लगाते हैं यहाँ पे गाड़ी, मिलते हैं आपको बाद में।